ओम ज्ञातिमिरांध्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वां स्कंद का 3रे अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक कल पढ़ चुके थे, प्रेयर्स ऑफर्ड बाय गजेंद्र। तो आज 7वां श्लोक हम चर्चा करेंगे। दिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया साधवः चरन्ति अलोक व्रतम अवर्णम वने भूतात्म भूता सुहृदा समे गति ही। 8.3.7। दिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधवः चरन्ति लोक व्रतम अवर्णम अवर्णम आवरणम वने भूतात्म भूता सुहृदा समे गति। इसके पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था, नजस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुर्पुनः क्वार्हति गन्तुमिरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः समावतु। नजस्य देवा ऋषयः पदं विदु, जिनको नहीं जान पाते कौन देवता ऋषिया ऋषि, पदम विदु, जिनके पद को जिनकी पोजीशन को नहीं जान पाते। हाँ, जंतुर पुनः को अर्हति गंतु मेरी तुम, फिर हमारे जैसे जानवर कैसे समझ सकते हैं। यथा नटस्य आकृति भी विचेष्ट, तो जैसे एक नाटककार स्टेज के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृति बनाता है तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। दुरत्य अनुक्रमण, उनके कार्यकलाप को समझना उसी प्रकार से दुरत्या है। हाँ, समावतु, वे भगवान मेरी रक्षा करें। तो ये हमने कल चर्चा किया था, आज हम चर्चा कर रहे हैं। दिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, दिदिक्षवो, दिदिक्षवा का अनुवाद क्या करते प्रभु जी? दो जो डिजायर टू सी, हाँ, जो देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? हाँ, यस्य, उनका पदम चरण कमल। कैसे हैं चरण कमल? सुमंगलम, जिनके चरण कमल का दर्शन करने मात्र से मंगल होता है। दिदिक्षवः यस्य पदम सुमंगलम, कौन दर्शन करना चाहते हैं? ये सामान्य व्यक्ति नहीं, विमुक्त संगा, जो विमुक्त संग, संग मतलब जो प्रकृति के गुणों से मुक्त है, या प्रकृति के जो कंटेमिनेशन है, जो गंदगी है, उससे मुक्त है। विमुक्त संगा, हर व्यक्ति भगवान के चरण कमल का दर्शन नहीं करना चाहता। वही व्यक्ति भगवान के चरण कमल का दर्शन करना चाहता है जो विमुक्त संघ, सब प्रकार की गंदगी से मुक्त हो गया है या होने का प्रयास कर रहा है। कौन है वे लोग? तो मुनया, मुनि लोग, ग्रेट सेजेस। उनके लक्षण कैसे हैं? सुसाधवः, सुसाधवः अर्थात, कृपा जी लिखते हैं, दोज हु आर हाईली एलिवेटेड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बहुत उन्नत हैं, सुसाधवः, ऐसे मुनि, हाँ, जिनके और लक्षण क्या बताए गए हैं? विमुक्त संगा, जो सभी प्रकार की गंदगी से मुक्त है, वे दर्शन करना चाहते हैं। दिदिक्षवा किसका? यस, उनका। क्या दर्शन करना चाहते हैं? पदम चरण कमल। कैसे है चरण कमल? सुमंगलम, जिनको दर्शन करने से मंगल होता है। चरंत अलोक व्रतम अवर्णम वने भूतात् भूता सुधा समय गति। चरंती, इस प्रकार के जो सुसाधवा मुनि हैं, जिनके जिनके एडजेक्टिव विशेषण बताए गए, मुनियों के विशेषण क्या बताए गए?
विमुक्त संग और सुसाधन। अच्छा वे करते क्या ऐसे मुनि, चरंती प्रैक्टिस करते हैं, अलोक व्रतम, व्रतम मतलब व्रत लेते हैं। कैसा व्रत लेते हैं? अलोक, हाँ, लोगों से भिन्न व्रत लेते, लोक से भिन्न, अलोक व्रतम। लोग क्या व्रत लेते हैं? सामान्य व्यक्ति क्या व्रत लेता है? सामान्य व्यक्ति व्रत लेता है कि मैं कैसे संसार को भोगूंगा। इस प्रकार के मुनि जो सुसाधव है, विमुक्त संग है, वो किस प्रकार के व्रत लेते हैं? जो लोगों से विपरीत व्रत है, हाँ, अलोक व्रतम। तो प्रभा जी इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तभी देखिए यहाँ पे ये बात इंटरेस्टिंग पॉइंट क्यों आ गया, अलोक व्रतम। तो लोक व्रतम क्या हुआ? अगर अलोक व्रतम है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, तो लोक व्रतम क्या होगा? क्या होगा अगर अलोक व्रत, व्रत अलोक व्रत है, अलोक व्रत है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास, तो लोक व्रत क्या होगा? क्या गृहस्थ बोल सकते हैं। गृहस्थ? गृहस्थ है। अलोक व्रत है अगर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास, जैसे कि प्रॉपरली ट्रांसलेट किए हैं, तो लोक व्रत क्या हो गया? लोक व्रत हो गृहस्थ, मतलब स्त्री संघ। तो जो लोग स्त्री संघ को छोड़ करके, है ना, अलोक व्रतम चरंती प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास। और ऐसे ही नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे, जैसे हम जैसे ब्रह्मचारी नहीं, हाँ आगे बोल रहे हैं अव्रणम, मतलब विदाउट एनी फॉल्ट। आजकल के ब्रह्मचारियों के तो बहुत फॉल्ट है, अब निकालने चले तो कितने निकलना है। कैसे 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 पालन कर रहे हैं अलोक व्रत को विदाउट एनी फॉल्ट, और कहाँ फॉलो कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि शहर के बीचों बीच बैठ करके फॉलो कर रहे हैं, नहीं, बने वन में जाके फॉलो कर रहे हैं। कितना देखिए, एक एक श्लोक कितने अंदर बात निकल आती है। दिदिक्षवा यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधुवा। तो सुसाधुवा मुनया, मुनिगण जो सुसाधु हैं, जो विमुक्त संगा है, जो अलोक व्रत लिए हुए हैं, हाँ, और ऐसा छोटा मोटा अलोक व्रत नहीं, हाँ, अवर्णम मतलब किसी भी फॉल्ट के बिना, विदाउट एनी फॉल्ट। और कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? वने जंगल में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वृंदावन है, वृंदावन में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिदिक्षवा यस्य पदम, उनके 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 चरण कमल को दर्शन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनके चरण को दर्शन करने से क्या होता है? सुमंगलम, मंगल भी नहीं, सुमंगल होता है। कौन कौन वो, किनके चरण? तो आगे बोल, भूतात्म भूत, भूतात्म भूत का मतलब होता है जीवों के हृदय में रहने वाले भगवान। ये यहाँ पे प्रभा जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, भूतात्म भूता मतलब ये लक्षण बता रहे हैं मुनियों के, दोज हु आर इक्वल टू ऑल लिविंग एंटिटीज। और क्या लक्षण बता रहे हैं? सुहृदा। तो इस श्लोक में देखिए कितने सारे भक्तों के गुणों का वर्णन कर दिया गया, जो भगवान के चरण कमल का दर्शन करने करने वाले जो भक्त हैं, कैसे भक्त? विमुक्त संगा मुनया सुसाधवः चरंति अलोक व्रतम अवर्णम। कहाँ पे चरण कर रहे हैं? बने भूतात्म भूता, भूतात्म भूता माने सभी को समान रूप से देखने वाले, सुहृदा सबके लिए मित्रवत। ऐसे लोग जिन भगवान के चरण कमल का दर्शन करने के लिए प्रयास करते हैं, समागति, हाँ, समेगति, वे भगवान, हाँ, मेरे गंतव्य स्थान बने। अब ये इस श्लोक में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि वो भगवान जिनके चरण कमल को दर्शन करने के लिए भक्त लोग आग्रह करते हैं, कैसे भक्त, उनके लक्षण बता दिए गए, वे भगवान मेरे गंतव्य स्थान बने। अच्छा अभी कल 2 दिन पहले एक, आप लोग तो जानते हैं यूट्यूब के ऊपर इस्कॉन के अगेंस्ट बहुत सारी वीडियोस बनती है, तो एक यूट्यूब चैनल है अगेंस्ट द दक्षा ऑफ कलयुग, तो वो कहता है कि जो इस्कॉन वाले हैं वो कलयुग के दक्ष हैं। अच्छा तो उन्होंने एक एक वीडियो डाली, एक फेमस आचार्य हैं, उनकी एक वीडियो डाली है ना, तो उस वीडियो में वो आचार्य कह रहे हैं, हाँ, वो डायरेक्टली नाम नहीं ले रहे इस्कॉन का, वो इस तरह से कह रहे हैं
ना, ये लोग पाखंड करते हैं, बैठ करके 2 घंटा जप करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जिस कृष्ण को ये मान रहे हैं, अगर इसका मतलब इन्हें जाना ही नहीं है कृष्ण कौन है, केवल पाखंड मचा के रखा है, इस तरीके से उनका जस्टिफिकेशन है। मतलब वो कुल मिलाकर, तो उसने जो अगेंस्ट द दक्षा ऑफ कलयुग, तो उसने उस वीडियो का नाम लिखा है ना, समझ रहे हैं आप किसके लिए बोल रहे हैं, इस तरह करके उसने वो लिखा। ये वीडियो जो बनाई है मिस्टर आचार्य ने, तो वो वीडियो जो बनाई हुई है वो किसके लिए बनाई है, किसको बोल रहे हैं, वो नेचुरली इस्कॉन को बोल रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे बैठ के जप करना और नाचना गाना, और जिस कृष्ण को वो हम मानते हैं, उस कृष्ण, वो कृष्ण तो सामान्य मनुष्य है, लेकिन अंदर के कृष्ण को जानते नहीं है हम लोग, ऐसा ऐसा करके और पाखंड मचा के रखे एक्सेट्रा। तो ये उनकी वीडियो है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन आचार्य जी का, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि प्रभुपाद जी भगवद गीता के 4थे अध्याय के लास्ट श्लोक में लिखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक होता है आत्म तत्व विज्ञान, होता है भगवत तत्व विज्ञान। तो आत्म तत्व विज्ञान के लिए जो भी आचार्य जी बोलते हैं काफी हद तक सही बोलते हैं, सब कुछ सही बोलते मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके कुछ डेफिनेशन शास्त्रों के विरुद्ध है, लेकिन काफी हद तक वो सही बोलते हैं। आत्म तत्व विज्ञान के विषय में बहुत सारे निराकारवादी, यहाँ तक कि मायावादी भी, ब्रह्मवादी भी अच्छा ही बात बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है भगवत तत्व विज्ञान की, तो इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, ये उनका दुर्भाग्य है। तो भगवत तत्व विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति अगर भगवान को मानता है तो भगवान की पूजा करता है और भगवान के कहे गए मार्ग पर चलता है, तो वो लोग सोचते हैं पाखंड चल रहा है, जैसे कि उनके डेफिनेशन है। अच्छा, 1000 जगह दिखा सकते हैं कि भगवान ने खुद भगवत गीता में ही बोला है कि मेरे नाम का जप कर, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, भगवान कह रहे हैं सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ये बात भगवान खुद कह रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि हाँ, सतत भाव से मेरा, सततम कीर्तयंतो माम, सतत भाव से मेरा कीर्तन करो, डायरेक्ट भगवान कीर्तन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मेरी कीर्ति का गान करो। और वही भागवत में लिखा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन सभी पापों को प्रणाशन करने वाला है। भागवत में लिखा गया है, कलिम सा भा जयंती आर्या गुणज्ञ सार भागिना यत्र संकीर्तनम अइवा सर्व स्वार्थो विलभ्यते। अगर कोई व्यक्ति अपने सभी स्वार्थों को पूर्ण करना चाहता है, स्व अर्थ, अपने वास्तविक जीवन के अर्थ को प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि कलियुग की पूजा करते हैं कौन, कलिम सा भा जयंती आर्य, जो आर्य हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो कलिम सा भा जयंती, वो कलियुग की पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं, जो आर्य हैं, गुणज्ञ, जो कलियुग के गुणों को जानते हैं, सार भागिना, जो सार ग्रहण करने वाले हैं, इस प्रकार के लोग कलियुग की पूजा करते हैं। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि कलियुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से स्व अर्थ वास्तविक लाभ होता है। और इसलिए कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती सुमेधसा, संकीर्तन ही प्राय, संकीर्तन यज्ञ से सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन भगवान की पूजा करता है। किन भगवान की, जो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कृष्ण वर्णम मतलब जो हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उनके शरीर का रंग कृष्ण से बिल्कुल विपरीत है, कृष्ण का रंग है श्याम वर्ण। तो ये जो भगवान का अवतार हुआ है किस रूप में हुआ है, गौर वर्ण में हुआ है, और क्या करते हैं, हमेशा कृष्ण 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 बोलते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। और अकेले नहीं आए हैं, संग उपंग अस्त्र पार्षदम, अपने संग उपंग अस्त्र पार्षदों को लेकर के आए हैं, और यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, संकीर्तन यज्ञ से इस अवतार की पूजा करते हैं कौन, सुमेधसः, जो बुद्धिमान व्यक्ति। ये कहाँ लिखा, कि ये सब श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ये अमल प्रणाम, ये पक्का प्रमाण है। तो अब इस श्रीमद् भागवत में तो नाम संकीर्तन का स्तुति किया गया। अच्छा, नाम संकीर्तन के बारे में नहीं कहा गया है, अगर मैं भागवत में दिखाऊं तो ऐसे श्लोक में क्लियरली एकादश स्कंध में आता है कि मेरे जो भक्त भगवान उद्धव को बता रहे हैं, और भी जगह पे ये आ रहा है, कैसे नव जोगेंद्र और निमि महाराज के संवाद में, कि जो भगवान के भक्त है वो नाचते हैं गाते हैं उन्मादवत पागलों की तरह। तो अब ये जो आचार्य जी हैं, ये जो कह रहे हैं कि जो नाचना गाना है इसको तुम अध्यात्म समझ के रखे हो, तो मुझे बताइए, भागवत
तो ये कह रही कि उन्मादवत नृत्यंती गायंती, नाचते गाते हैं और कैसे, ऐसे नहीं उन्मादवत माने पागलों की तरह। तो ये भागवत की बात माने जाए कि आचार्य जी की बात मानी जाए, कॉमन सेंस समझिए। तो वो जो कह रहे हैं, मैं कितना मतलब हूं इसका, मतलब शास्त्र के प्रति अनभिज्ञ है, नहीं जानते। इसलिए देखिए शंकराचार्य जी ने जो अपना शारीरिक भाष्य दिया या मायावाद भाष्य दिया, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य दिया, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर भाष्य दिया, लेकिन कभी भी श्रीमद् भागवत को छुआ नहीं। ये जानते हुए कि श्रीमद् भागवत तो उन्नत स्तर का ग्रंथ है, जो भगवान का ही स्वरूप है, उसको उन्होंने अपने भाष्य से छुआ नहीं, क्योंकि जानते थे कि अगर श्रीमद् भागवत को छू देंगे तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। मायावाद भाष्य को प्रचलन करने के लिए उन्होंने भगवद गीता को छुआ, इन भागवत को कभी नहीं छुआ। भागवत इन सबसे बहुत ऊपर है। तो मैं जो पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि वो जो आचार्य जी इस तरह कह रहे हैं कि इस तरीके से नाचते हैं, गाते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, पागलों की तरह पाखंड मचाए हुए, अच्छा क्या हम क्या इस्कॉन वाले के पहली बार कर रहे हैं? इतिहास प्रमाण है। अब नाम लीजिए, तुलसीदास जी का लीजिए, सूरदास जी का लीजिए, मीराबाई का लीजिए, संत तुकाराम का लीजिए, दक्षिण भारत में कितने अलवर हुए उनका नाम लीजिए। आप पढ़िए प्रोपा जी ने ग्रंथ, प्रोपा जी बीबीटी में मिलता है, प्रोपा जी ने कुछ श्लोकों का ट्रांसलेशन किया, मुकुंद माला स्त्रोत, महाराज कुलशेखर अलवर हुए हैं दक्षिण भारत में, उनके आप ग्रंथ को पढ़िए, कितनी जगह नाम संकीर्तन गाना नाचने का वर्णन किया गया है। वो बोल रहे हैं एक श्लोक में कि आश्चर्य मेतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। आश्चर्य मनुष्यों के ऊपर कि अमृत छोड़ करके विष पी रहे, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, नामानि नारायण गोचराणि। भगवान नारायण जो अगोचर हैं, परंतु उनके नाम के माध्यम से वो गोचर हो रहे हैं, मतलब अगोचर मतलब जो इंद्रियों से परे हैं, लेकिन उनके नाम के माध्यम से भगवान पकड़ में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ रही है। जैसे मोबाइल वेव्स अगोचर है, लेकिन मोबाइल यंत्र के माध्यम से वो गोचर हो जाती है, तो उसी तरह भगवान नारायण तो अगोचर है, लेकिन वो तो गोचर हो रहे हैं उनके नाम के माध्यम से है। लेकिन ये सब छोड़ के है ना, तक्त्वा कुहकम पठन्ति, और ये भगवान का नाम को छोड़ करके पता नहीं ख्याल से फालतू फालतू बातें कर रहे। कौन बात बोल रहे हैं? ये महाराज कुलशेखर बोल। तो महाराज कुलशेखर भी नाचने गाने के समर्थन में थे, नाम के समर्थन में थे। एक दक्षिण भारत में और अलवर हुए, उनका नाम है नाम अलवर, भक्ति विकास बुक ट्रस्ट की बुक छपी है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन। इसमें कितनी जगह उन्होंने भविष्यवाणी करी कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा और पूरे विश्व में नाम संकीर्तन का प्रचार होगा। वो इस तरह लिखते हैं कि कलयुग का जो समय है वो खत्म हो चुका है और एक गोल्डन पीरियड आ चुका है। और देखो तो सही कि विदेशों में लोग सिर मुंडा करके, धोती कुर्ता डाल करके और नाम जप करके, कीर्तन करके उन्माद उछल रहे कूद रहे। ये लिखा गया है 5th-6th सेंचुरी में। नाम अलवर हाँ, उसका नाम उस ग्रंथ का नाम है तिरुमई बोली, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग। तो उसमें महाप्रभु का आविर्भाव के विषय में वर्णन किया गया और इस प्रकार से पूरे विश्व में नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार होता है, उसका वर्णन किया गया। तो अभी उनकी बात मानी जाए कि आचार्य जी की बात सुनकर के बोला जाए कि ये तो पाखंड मचाए हुए। क्यों मैं बात बोल रहा हूं? क्योंकि इस पर्टिकुलर श्लोक में आप देखिए कि गजेंद्र बोल रहे हैं कि मैं उन भगवान की शरण लेता हूं जिनकी शरण ऐसे भक्तों ने ली है जिनके ये लक्षण दिए गए हैं। रेनन्सिएट्स एंड ग्रेट सेजेस हु सी ऑल लिविंग इक्वली, ऑल लिविंग बीइंग इक्वली, हु आर फ्रेंडली टू एवरीवन, हु फ्लॉलेसली प्रैक्टिस द वो इन द फॉरेस्ट द वोज ऑफ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, तो डिजायर टू सी ऑल ऑस्पिशियस लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जिन भगवान की शरण ऐसे भक्त लोग लेते जिनके लक्षण यहां दिए गए, मैं उन भगवान की शरण लेता। तो यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रहा है, अगर आप नहीं जानते भगवान कौन है, कि उनको कैसे पुकारा जाए, उनसे कैसे संबंध स्थापित किया जाए, कोई बात नहीं, भूतकाल में तो किसी ने तो किया होगा ना, उसको फॉलो करिए।
तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम नासौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत में लिखा गया तर्क को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम, इतने शास्त्र है तर्क के माध्यम से आप स्थापित नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत। ना असौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, और कोई ऋषि मुनि ऐसे नहीं जिनके मत में भिन्नता ना हो। एक ऋषि से बात करेंगे तो वो भी एक बात बोलेगा, दूसरे से बात करेंगे दूसरी बात बोलेगा। तो धर्म का तत्व कैसे समझे, धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है उसको समझना इतना कॉन्फिडेंशियल इतना सीक्रेट है। तो क्या करें, महाजनों ये न कथा सकते, जिस मार्ग में महाजन चले हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। हमें नहीं पता धर्म का तत्व क्या है, अरे जिसमें चल दिए उनका अनुसरण करो। कौन महाजन, ये भागवत में लिखा है महाजन कौन कौन है, शंभु नारद शंभु कुमारो मनु कपिलो जनक भीष्म, 12 12 महाजनों का नाम दिया गया है, जिसके अंदर यमराज भी आते हैं। वो यमराज कितना नाम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं यमदूतों के सामने, और ये आचार्य जी बोल रहे हैं कि ये लोग जो नाम कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं नाच रहे गा रहे हैं ये पाखंड मचाया हुआ है, ये असली कृष्ण को नहीं जानते। अच्छा यमराज जी से आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए, जो यमराज जी बोल रहे हैं कि मेरे दूतों उस आद जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है उनको नाम सामने प्रणाम करता है, कंठी माला धारण किया है तिलक किया हुआ है उसके आसपास मत जाना, और जो उनका नाम नहीं लेता उनको एक बार भी प्रणाम नहीं करता है तो उसको पकड़ पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। तो आचार्य जी को लग रहा है कि वो बहुत बड़े अध्यात्मवादी हैं, तो जब यमराज जी के सामने जाएंगे और दो तमाचे इधर से पड़ेंगे दो तमाचे उधर से पड़ेंगे तो आतंक सारी ठिकाने आ जाएगी। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक अभी हम गए थे उज्जैन में तो श्रुत कीर्ति को वो एक स्टोरी सुना रहे थे। तो एक व्यक्ति था वो वेदांत सोसाइटी से था, तो वेदांत सोसाइटी से था तो श्रुत कीर्ति प्रभु फॉर योर इन्फॉर्मेशन प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे बहुत सारे, वो एक स्टोरी सुना रहे थे। तो बोले कि एक बार क्या हुआ कि वेदांत सोसाइटी से एक व्यक्ति आए, वो प्रभुपाद जी के प्रति बड़े सम्मानित सम्मानित था, सम्मान देता था प्रभुपाद जी को, तो उसे इस्कॉन की सारी एक्टिविटी अच्छी लगती थी। वो प्रभुपाद जी को एक बार आकर के बोलता है कि स्वामी जी मुझे आपकी संस्था में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती। तो प्रभुपाद ने कहा क्या अच्छा नहीं लगता, बोले आपके शिष्य लोग कहते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस है वो नालायक है, तो और वो ये भी कहते हैं कि आपने ऐसा कहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने ऐसा कहा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे कहने पर अगर कोई कह रहा है कि मैंने ऐसा कहा है लेकिन मैंने नहीं कहा, इसका मतलब है वो नालायक मतलब कोई शिष्य ने जाके बोल दिया कि रामकृष्ण नालायक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, और कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर के कह रहा है कि वो रामकृष्ण नालायक है तो वो जो बोल रहा है वो नालायक। अब जो वेदांतवादी था बिल्कुल खुश हो गया, बिल्कुल मतलब प्रभुपाद जी ने रामकृष्ण को नालायक नहीं कहा, ठीक है बड़ा खुश हो गया। अब प्रभुपाद जी ने कहा देखो यहाँ बुक्स रखिए निकालो, तो एक बुक निकाली, तो कौन सी बुक निकाली, भगवद गीता। कौन सी भगवद गीता, ये वो भगवद गीता थी जिससे प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की भगवद गीता निकाला। अब उसमें से प्रभुपाद जी ने पढ़वाया, मन मना भव भक्त 9th चैप्टर खोलो, अच्छा खोला उसमें श्लोक निकाला मन मना भव भक्त मद भक्तो मद याजी माम नमस्तु, इस श्लोक इसका ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कहा, तो वो ट्रांसलेशन पढ़ रहा है। अच्छा ट्रांसलेशन तो सही लिखा है, मन मना अपना मन मुझ में अर्पित करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। अब प्रभुपाद ने कैसे कॉमेंट्री पढ़ी, तो कॉमेंट्री में राधा कृष्ण जी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं इट इज नॉट टू बी दिस कृष्णा दैट वी नीड टू सरेंडर, इट इज समवन अनबॉर्न विद इन कृष्णा जिसको हम जिसके हमको शरण लेनी है। एंड प्रभुपाद जी कहते इसलिए मैं इन सबको नालायक कहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते इसलिए मैं इन सबको नालायक कहता हूँ। तो प्रभुपाद जी डायरेक्टली नहीं बोले कि वो नालायक है, क्योंकि इस तरह बोलते थे तो सामने वाला ऑफेंडेड हो जाता था। प्रभुपाद जी ने पढ़ा करके फिर उसको बोला कि इसलिए मैं कहता हूँ वो नालायक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये बारंबार समझना पड़ेगा, इट इज नॉट द अनबॉर्न कृष्णा। अच्छा हम अगर माने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बात सही है, तो जो भूतकाल में जो सूरदास जी ने भजन लिखे हैं कृष्ण की बाल लीला के ऊपर या कृष्ण की रासलीला के ऊपर, वो क्या पागल थे कि तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने कृष्ण लीलाओं का वर्णन भी किया है, वो क्या पागल थे। हाँ कभी ये कबीरदास जी रहीमदास जी
अकबर के मतलब अकबर ने शादी करी थी बहरेम खां की पत्नी से, तो बहरेम खां और उसकी पत्नी से जो पूर्व जो पहले संतान थी वह उनका नाम था रहीम दास। वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए। रहीम दास जी ने इतने बड़े बड़े इतने दोहे लिखे हैं कृष्ण की भक्ति के लिए, रस खान ने इतने दोहे लिखे कृष्ण भक्ति के लिए, मीराबाई ने, गुरु नानक जी ने इतने भजन गाए हैं कृष्ण के लिए। इधर पे ओडिशा में जयदेव गोस्वामी ने भजन लिखे हैं, चंडीदास ने भजन लिखे हैं, विद्यापति ने भजन लिखे हैं, दक्षिण भारत में अलवरों ने भजन लिखे हैं। ये सारे पागल थे, बस ये बुद्धिमान तो आचार्य जी हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन है और रामकृष्ण। इससे समझना पड़ेगा महाजनों ये न गता सा पंथा, जिस पंथ पे महाजन चले हैं। कैसे महाजन? जिनके लक्षण श्लोक में दिए गए हैं। क्या क्या लक्षण दिए गए हैं? सुसाधव चरंत अलोक व्रतम वने अवरणम। ऐसे आचरण करने वालों ने जिनका भजन किया है, मैं उन भगवान की शरण लेता हूं। इन सबसे बुद्धिमान तो गजेंद्र है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता भगवान ने कौन है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने, जिनके लक्षण ऐसे दिए गए हैं, हाँ, सुहृदा भूतात्म भूत, ऐसे भक्तों ने जिन भगवान की शरण लिए, मैं उनकी शरण लेता हूं। कृपया करके वो भगवान आए और मेरी रक्षा करें। तो अब अगर आपके मन में डाउट होता कि नहीं वो अंदर के कोई कृष्ण है, तो फिर अंदर के कोई कृष्ण को आके बचाना चाहिए था गजेंद्र को, लेकिन कौन आए बचाने के लिए? तो भगवान गरुड़ पे चढ़ करके आए। तो आते फिर कोई अंदर के कृष्ण बचाने के लिए कि अंदर के विष्णु बचाने के लिए? क्यों नहीं आए वो? गजेंद्र की प्रार्थना सुन करके देवता भी नहीं आए, क्योंकि देवता लोग आके चाहते तो बचा सकते थे गजेंद्र, गजेंद्र मना कर दिया। नहीं, सभी देवता जिनके नौकर है वो भगवान मेरी मेरी रक्षा करने के लिए आए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। क्लियर बोल दिए, इसलिए देवता लोग चले थे बचाने के लिए। इसलिए कहा गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि पहले तो देवता लोग ऑफेंडेड फील किए कि अरे हमको नहीं बुला रहा, इतना मुश्किल में अपने हमको नहीं बुला रहा। और गजेंद्र देवलोक में ही रहते थे, देवताओं के लोक में ही रहते थे, तो बुला सकते थे किसी देवता को, नहीं बुलाए। तो थोड़ी देर के लिए देवता लोग ऑफेंडेड फील किया, अरे हमको नहीं बुला रहा देखो। लेकिन फिर बाद में देवता लोग को शर्म आई कि देखो यार, कि बुला रहा था भगवान को और हम लोग बीच में फालतू कबाब में हड्डी बन रहे। तो फिर भगवान जब प्रकट हुए तो सब देवता लोग भी प्रकट हुए, जस्ट फॉर मिटिगेटिंग द ऑफेंस। जो इन्होंने मानसिक रूप से अपराध किया भगवान के चरणों में और गजेंद्र के चरणों में, उसको धोने के लिए, उसको मिटाने के लिए भगवान जब प्रकट हुए तो देवता लोग भी आए। और जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया तो देवता लोग पुष्प वृष्टि करते। ओडिशा के एक महान भक्त हुए हैं सालबेग, उनने इस गीत को लिखा है। आज मैंने शेयर किया था, विकास ने गाया उस गीत को, उसका सेकंड स्टेंजा यही है। गजराज चिंता कोला थाई घोरा जले ना, चक्रपेशी नक्र नाशी उधारी लो अपना। गजराज चिंता कोला थाई घोर जले ना, चक्रपेशी नक्र नाशी। चक्र से क्रोकोडाइल को भगवान ने मारा। तो इसलिए आचार्य जी को समझना चाहिए कि वे एकमात्र बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, उनको भूतकाल में देखना चाहिए कि किसका भजन किया गया है। पुराण पुरुष, जो पुराणों के जो हीरो हैं, उनका भजन किया गया है। हमें नहीं बनाना चाहिए कि किसका भजन किसका, डाउट में नहीं रहना चाहिए। शिव ब्रह्मा आदि देवों ने जिनका भजन किया है, रमा शंभु ब्रह्मा मोर पति गणेश अर्चित पदो। रमा यानी लक्ष्मी देवी, शंभु माने शिव जी, ब्रह्मा अमर पति माने देवतागण, अर्चित पदो गणेश, गणेश जी जिन्होंने अर्चना की है जिनके चरणों की, किसकी चरणों की अर्चना की है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, उन जगन्नाथ स्वामी की अर्चना करिए, वे जगन्नाथ जी मेरे नयन पथ के गामी बने। और ये लिखा किसने है? ये शंकराचार्य जी ने लिखा है। किसी को डाउट है तो शंकराचार्य से पूछ लीजिए कि भगवान कौन है और किसकी शरण स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी बात जो जो बोल रहे हैं, मैं, समय है हमारे पास 5 मिनट और ले। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है प्रकाशानंद सरस्वती और प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु का जो लीला हुआ, इसको हम विस्तार से एक चर्चा करेंगे। कि जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि तुम सन्यासी होकर के नाचते हो गाते हो भावुकों की तरह, अरे सन्यासी का तो धर्म होता है वेदांत अध्ययन करना, जो ये
आचार्य जी कहते हैं कि सन्यासी को तो वेदांत देंगे, पागलों की तरह गाना बजाना क्या चल रहा है, पाखंड चल रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु से यही प्रश्न पूछा था प्रसन्न सरस्वती ने। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुरु बोले मूर्ख देखे करेला शासन। मेरे गुरु ने कहा तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम वेदांत वेदांत नहीं पढ़ सकते, तुम बस हरे कृष्ण जपो। तो इस तरह जब से मैं जपने लगा गुरु जी कहने पर, जपीते जपीते करीले पागल, जब से मंत्र जप रहा हूँ पागल हो गया हूँ, कभी नाच रहा हूँ, कभी गा रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। तो फिर एक दिन मैं गया गुरु जी के पास पूछने के लिए, गुरु जी कैसा मंत्र, किबा मंत्र देला गुसाई, किबा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। अरे कौन सा मंत्र पकड़ा पकड़ा दिया, जपते जपते पागल हो गया हूँ, कभी नाच रहा हूँ, कभी गा रहा हूँ। तब गुरु जी कहते हाँ कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, हाँ जे जपे से उपजाए भाव। कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव है कि जो जपता है उसको भाव उपजता है। सर उसके इसी तरीके से नाम की महिमा, तो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण से उसको नहीं बोले, बोले मेरे गुरु जी इस तरह सिखाए हैं मुझे, एक मंत्र एक मंत्र सिखा दिया गुरु जी ने, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वह केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। मैंने नहीं, मैं तो करने नहीं चाहता, गुरु जी पकड़ा दिए मंत्र, मैं क्या करूं। इस तरह से बोल रहे हैं, कई इस पे भगवान के नाम की महिमा के कई श्लोक उद्धृत हुए इस संवाद में। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ है। इस तरह एक और, कली काले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मंत्र। कलयुग में और कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म है भगवान का नाम संकीर्तन। तो जो आचार्य जी कह रहे हैं हम लोग भावुकों की तरह पाखंड मचा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के जमाने में चला रहा है, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती समेत उनके 60 हजार शिष्यों को भक्त बना दिया। ये कोई नया नियम, नया कोई फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं। आप पढ़िए गुरु ग्रंथ साहिब, देखिए उसमें किनके नाम का वर्णन किया गया। तो बहुत कन्विक्शन के साथ, इसलिए इस्कॉन के डिवोटीज को शास्त्र जानना चाहिए, नहीं तो इस तरह आएंगे बेवकूफ बनाएंगे दुनिया को यूट्यूब के ऊपर, और जनता अलग अलग प्रोसेस निकाल रहे हैं। अभी अभी आ रहा है नौ दुर्गा चल रही है, तो जितने जा रहे थे अध्यात्मवादी, वो एक आए थे बाबा जी, वो कह रहे हैं दिस दुर्गा इज द इनर कॉन्सेप्ट। तुमको किसने बोले इनर कॉन्सेप्ट, भाई कहाँ से ले लेके आते हो, क्यों गुमराह कर रहे हो आप, क्या आपका शास्त्र प्रमाण इस तरह आप फालतू बात कर रहे हो। लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसे मटका देते हैं हाथ, थोड़ा सा ऐसे मटका देते हैं, उनको लगता है बस बहुत अध्याय ज्ञान हो गया। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 60वां अध्याय में रुक्मिणी और कृष्ण का संवाद हो रहा है, मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया, बहुत फेवरेट चैप्टर था, भगवान भगवान शिव का फेवरेट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें गृहस्थों की लीला है ना, भगवान कृष्ण कैसे रुक्मिणी को छेड़ रहे हैं, तो शिव जी भी ठहरे गृहस्थ, उनको बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। एक भक्त थे दक्षिण भारत के, तो वो इस चैप्टर को पढ़ते थे, शिव जी हर दिन सुनने जाते थे। तो उस चैप्टर में ये संवाद उठता है, मैं कभी उस चैप्टर को उद्धृत करूंगा, संवाद उठता है कि भाई एक बार भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी तुमने हमसे कहाँ शादी कर ली, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको छोड़ करके हमारे हम फकीर के चक्कर में पड़ गए, ना हमारा घर ना बैंक बैलेंस ना कुछ ना कुछ, डरते फिरते इधर से भागते फिरते, रण छोड़ तो हम वैसे ही है झगड़ा झगड़ा लेके भाग गए, और तुमको भी हम किडनैप करके लेके आए, हम अगर वास्तव में हमें शक्ति तो लड़ झगड़ के लेके आना चाहिए था। तो भगवान अपने आप को इस तरीके से रुक्मिणी के सामने बोल रहे हो, फिर आगे कह रहे हैं कि रुक्मिणी चिंता मत करो तुम, है ना, अगर एक काम करते हम तुम्हारी री मैरिज करा देते, तुम्हारी जो तुम्हारे पिताजी जो भी दहेज दिया है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट करा लौटा देंगे, तुम चुन लो किसको चुनना है। इतना सुनना ही था कि रुक्मिणी तो बेहोश होकर गिर गई। और फिर भगवान कृष्ण ने जो जो श्लोक बोले, मैं कभी उसके ऊपर अलग से सेशन लूंगा, तो जो जो श्लोक बोले भगवान कृष्ण ने इस तरह से जो रुक्मिणी को भगवान ने बोला कि, तो रुक्मिणी ने एक एक श्लोक का उत्तर दिया। तो एक जगह रुक्मिणी को कृष्ण ने कहा था, जैसे रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड होता है ना, कि जिस 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 सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछते हैं उस सीक्वेंस में रुक्मिणी जी आंसर दे रही है। तो एक पर्टिकुलर श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि देखो तुम तो नाबालिग थी, तुम तो छोटी लड़की थी, तुमने तो नारद मुनि से सुना हमारे विषय में और हमको लव लेटर लिख दिया और हम भी तुमको उठा लेने आ गए, उस समय तुम इतनी मैच्योर नहीं थी इसलिए तुमने हमको चुन लिया, अगर तुम मैच्योर होती तो हमको नहीं चुनती। तो इसके जवाब में रुक्मिणी जानते क्या कह रही है, रुक्मिणी कह रही है भगवान ठीक है मैं मैच्योर नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे,
ये सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए आपको प्राप्त करने के लिए। मैं मैच्योर नहीं थी, कोई बात नहीं, आप तो, वो तो मैच्योर थे, वो थोड़े ना पागल थे। उनके लक्ष्य आप हुए, तो मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन वो क्या इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, क्या वो गलत हो सकते हैं? अब इस तर्क से कृष्ण परास्त हो। अरे हम कृष्ण का भजन करें, कोई नई इस्कॉन वाले कृष्ण का भजन नहीं कर रहे। इतिहास गवाह है कि किस किसने किन किन राजा महाराजा, इमाम राज ऋषियों विदु, राज ऋषियों ने जिनका भजन किया, जिनको प्राप्त करने के लिए जिसका जिस नाम से देश का नाम पड़ा भारत, वो भरत महाराज सब कुछ छोड़ करके जंगल में, किसको प्राप्त करने के लिए? उत्तम श्लोक लालसा है, लिखा है भागवत में, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की लालसा करते उनको प्राप्त करने की आकांक्षा से नव युवक अवस्था में मलवत त्याग करके चले गए। जैसे मल त्याग करके फ्लश कर देते, देखते भी नहीं पीछे, उस प्रकार से संसार को छोड़ करके चले गए, और ऐसे नहीं बुढ़ापे में गए, नव युवक अवस्था में चले गए। तो रुक्मिणी कह रही है, अरे हा? मैं इमेच्योर हो सकती हूँ, मैं बालिक, मतलब एक छोटी बच्ची थी, मेरे को समझ नहीं आया। अरे ये बड़े बड़े राजा लोग छोड़ के गए कि पागल थे? तो इस श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे गजेंद्र कह रहे हैं, जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे सुसाधवा सुहृद भूतात्म भूत चरंति अलोक व्रतम अवर्णम बने। हाँ, और क्या शब्द आया? हाँ, पहला वर्ड क्या लिखा कि इस प्रकार के लक्षण वाले भक्त, हाँ, आपको प्राप्त, जिनको जिनको प्राप्त करने के लिए उतारू है, मतलब देर वेरी ईगर, हाँ, वो भगवान मेरे मेरे मेरी रक्षा करें, वो भगवान मेरे गंतव्य स्थान बने। महाजनों ये ना गधा सब था, तो उन महाजनों के पद चिन्हों पे हमको चलना है, इसलिए कॉन्फिडेंटली चलना है। कभी कभी डाउट हो सकता है ना कि शास्त्र में तो कितनी बात लिखी गई है, तो महाजनों ने क्या कहा है वो देख लेना चाहिए, उन्होंने क्या किया है वो देख। इतिहास गवाह है कि इतिहास में महाजनों ने कृष्ण का भजन किया है, तो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके हमें कृष्ण भजन करना चाहिए बस। क्योंकि बहुत सारी शास्त्रों की बातें हमारे दिमाग में नहीं घुस सकी। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम, यह है आज के श्लोक का सार। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्वारी, तो हम लोग ने नया आईटीआर बेस शुरू किया है, तो आप सब देख सकते हैं, हम पहली बार, ये हमारे रोशन प्रभु और रूपन प्रभु हैं, तो इस 4 BHK के बंगले में 2 बच्चे रहते केवल। इस आशा से कि हम लोग प्रसार बढ़ाएंगे तो लोग और जुड़ेंगे, तो आप लोग प्रार्थना करिए कि हमारा आईटीआर बेस जोरों शोरों से आगे बढ़े, प्रचार प्रसार यहाँ पे आगे बढ़े। हरे कृष्णा। तो राकेश प्रभु को हरे कृष्णा दिखा रहे हैं, राकेश प्रभु हमारा आईटीआर बेस के एलुमनी है। एक बार वो खोलने के लिए आए थे, कोविड का समय आया तो फिर छोड़ के जाना पड़ गया। राकेश थोड़ा चेहरा दिखाओ भक्तों को अपना। नहीं, मेकअप बाद में कर लेना, पाउडर वाउडर बाद में लगाना। हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है इंद्र, तो तुषार भाई ठीक है आप? अच्छा लग रहा है मुंबई में आपको? जी जी प्रभु जी, दंड प्रणाम, बेस में ही धन है। रखना। हरे कृष्ण। ठीक है इंद्र रखते हैं। हरे कृष्ण। निगम ब्रो आप भी आइएगा इस बेस में कभी, समय निकालते। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की।